ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन करी थी। एडिशन रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे, और उस मैकेनिज्म को करने से पहले हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन समझना था। तो यहाँ तक हमें पता है कि कार्बोकेटायन क्या होते हैं और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फिर से डिटेल में डिस्कस करना प्रेफर करूँगा, सो दैट तुम लोगों को एडिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगेन। हाँ, कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं मिला, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। बहुत सारे होमवर्क आए थे बच्चों के, मैं कर नहीं पाया, तो मैं नेक्स्ट आज मैं उसको बैठ के देख लूँगा। ठीक है, तो हमें करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, सो कार्बोकेटायन एज द नेम सजेस्ट, कैटायन ऑफ कार्बन होता है। ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कि कैटायन कार्बन का एक कैटायन होता है। इट कुड बी बेंजाइलिक, एलाइलिक, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और इवन मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास स्टेबिलिटी को देखने के लिए वी हैव टू पैरामीटर्स। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, सो हमें पता है इफ अ कार्बन हैज फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और अगर उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर उसके पास फुल फ्लेज्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। आई होप इतना क्लियर होगा। बीच में कुछ भी होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे बता देना कि ये नहीं समझ में आया, आई विल रिपीट इट। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 छह एटम है और इसके पास एक फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फिलहाल इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है उसका, तो ये है एक्सट्रीमली अनस्टेबल। सो एनी फैक्टर दैट डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन वुड इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इस कार्बन के ऊपर उसका पॉजिटिव चार्ज कम करने की कोशिश करे, वो फैक्टर उस कार्बन को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग कार्बन को स्टेबलाइज कैसे कर पाएंगे, अगर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाए। अभी इसके पास क्या है, टोटल चार्ज है इसके पास +1। अगर मैं कैसे भी कोई भी फैक्टर लगा के इसका चार्ज 0.05 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, अनस्टेबल यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा। सो एनी फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो उस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, वो कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, और ये मेजर फैक्टर्स कौन से हैं, ये है रेजोनेंस इफेक्ट और है इंडक्टिव इफेक्ट। एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है और वो स्टेबलाइज करता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट के लिए हमें पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो फिलहाल हम लोग इन दोनों टॉपिक से काम चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे रेजोनेंस इफेक्ट भी बताना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी बताना पड़ेगा। सो लेट्स सी, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, पहले हम लोग कर लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। सो इन रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव मूव फ्रॉम
वन एटम टू द अदर, एक एटम से वो दूसरे एटम पे मूव करना प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन। ड्यूरिंग मूवमेंट लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। अब किसी भी चीज को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, सो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पे जा रहा है, फिर पॉइंट बी से वापस इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पे जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, काफी सारी एनर्जी उसकी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज या एनर्जी लॉस होने की वजह से जो टोटल एनर्जी लेफ्ट, जो टोटल एनर्जी बचती है इज लेसर, एंड हेंस कंपाउंड बिकम, कंपाउंड और केमिकल स्पीशी बिकम मोर स्टेबल, और वो उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेबिलिटी है, मैं क्लियर कर देता हूँ, स्टेबिलिटी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। अगर पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो PE स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी तो लो स्टेबिलिटी होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज लो, अगर पोटेंशियल एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई स्टेबिलिटी होगी। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो पेड़ के किसी ब्रांच पे, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, लो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि हाइट यहाँ पे ज्यादा है। तो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल फील होगा, स्टेबल फील होगा नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी फील होगी, ठीक है। ऑब्वियसली कोई गिरने का डर नहीं है, लेकिन ऊपर क्या है, पेड़ पे अगर चढ़ के बैठेंगे तो देर आर चांसेस कि कुछ हुआ, पैर फिसला और नीचे गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी तो अगर वहां से गिरोगे तो उतनी ज्यादा चोट लगेगी तुम्हें, ऐसे ही होता होगा, ठीक है। सो ये क्या है, देर इज अ फिनोमेना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इतना क्लियर हो गया। रेजोनेंस में क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस काफी ज्यादा एनर्जी कम हो जाती है, लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ए पॉइंट से मूव कर रहा है बी पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, तो इसमें क्या होता है, उसकी बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो वो क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबिलिटी उसको आ गई है, मिल गई है। इज दैट क्लियर, यस और नो? बताओ, ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे ये मूव करता है। तो पहला मैंने लिया एलाइलिक, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे कूद जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग, वो पहले अगर मैं इसको लिखूं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी,
तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड है, वो ए बी से हटके कहाँ आ गया, बी सी पे आ गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से लॉस इन एनर्जी हो रही है। एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। लॉस इन एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है, वो स्टेबलाइज हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ, हेंस दिस कार्बन इज गेटिंग स्टेबलाइज। ये कार्बन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। लेट्स टॉक इट, लेट्स डिस्कस इट इन अनदर वे, कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे ये था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे प्लस वन चार्ज है इस कार्बन नंबर सी पे। और उसी तरीके से जब रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया, जीरो आ गया एट ऑन एटम सी। तो हुआ क्या कि जो टोटल चार्ज है, एवरेज चार्ज है, वो 1 + 0 / 2, दो स्ट्रक्चर हैं तो कितना हो गया, 0.5। तो अब हो क्या रहा है कि सी एटम पे +0.5 चार्ज है एंड ए एटम पे भी क्या है, 0.5 चार्ज है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो प्लस वन चार्ज था, जो प्लस वन चार्ज था इज स्प्रेडिंग डिवाइडेड और शेयर्ड बिटवीन एटम ए एंड सी। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से सी के पास क्या था, टोटल प्लस वन चार्ज था और वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कितना हो गया, वो 0.5 हो गया। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो उस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। इससे हमें पता चल रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव 0.5, 0.5 चार्ज आ रहा है दो एटम्स के बीच में, वो शेयर हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? एक बार रिपीट करूं। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा वो क्या करेगा, उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीन एटम है, ए बी एंड सी। तो सी पे क्या है, प्लस वन चार्ज है। अब ये रेजोनेंस की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ गया और डबल बॉन्ड इधर बन। इस स्ट्रक्चर वन में, इसको मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर वन, और ये हो गया स्ट्रक्चर टू। ठीक है, स्ट्रक्चर वन में क्या है, स्ट्रक्चर वन में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, और स्ट्रक्चर टू में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो जीरो आ रहा है। मतलब सी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल, और सी पॉइंट पे यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, प्लस वन। अगर मुझे एवरेज पॉजिटिव चार्ज निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस पे कितना चार्ज है, प्लस वन, इस एटम में कितना चार्ज है, जीरो, दोनों को करा तो 0.5। तो ये कितना आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम सी। जो चार्ज था यहाँ पे, फुल फ्लेज्ड प्लस वन चार्ज था, वो अब डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, आधा हो गया। सो एनी फैक्टर दैट डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज, कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा वो स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि रेजोनेंस क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। हो क्या रहा है कि इसमें जो प्लस वन जो चार्ज था वो डिवाइड हो गया, कौन से एटम पे, डिवाइड और शेयर हो गया बिटवीन एटम सी ए एंड सी। तो पहले यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, अब वो कहाँ आ गया, इधर आ गया।
तो जो ए एटम है वो डिस्टेबलाइज हो गया, लेकिन सी एटम क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई वो कम हो गई, क्योंकि जो फुल फ्लेज्ड पॉजिटिव चार्ज था, जो कंप्लीट प्लस वन पॉजिटिव चार्ज था, वो बेसिकली अब डिक्रीज हो गया है और दो एटम्स के बीच में बढ़ गया है। सो इफ यू हैव 10 रुपी नोट, ठीक है, तो तुम्हारे पास ज्यादा टेंडेंसी है उसे खर्च करने की, ठीक है, तो तुमने क्या किया, वो जो 10 रुपीज का नोट था वो दो लोगों में डिवाइड कर दिया, +5 +5, दोनों क्या हो गए, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो गए, क्योंकि अब कम पैसे हैं और कम चांसेस हैं कुछ अच्छी चीज खरीदने के। वेग एग्जाम्पल है बट हाँ बताओ मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ज्योति, यस हो गया, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द अदर, जो दूसरा फैक्टर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दो तरीके का इफेक्ट डिवाइड होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट होता है, इस ये किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो भी सिग्मा बॉन्ड तुम्हारे पास है वो क्या हो जाता है, थोड़ा पोलराइज हो जाता है, ठीक है, इंडक्शन हो जाता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है CH3 CH2 OH। नाउ यू ऑलरेडी नो कि ऑक्सीजन और कार्बन में से, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, और इस कार्बन के पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक डायपोल क्रिएट हो गया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायपोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें पता है एक न्यूट्रल चीज है तुम्हारे पास, और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, एक डायपोल बना दिया, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी जो न्यूट्रल चीज यहाँ पे होती है वो भी क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, और पॉजिटिव की वजह से ये भी नेगेटिव इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली इंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको इंड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज, और चार्ज सेपरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल चीज में इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से जब ये डायपोल मोमेंट बनता है, और डायपोल बनता है कौन से, फर्स्ट एटम में, तो ये क्या होता है, सेकेंड और थर्ड एटम में भी ये डायपोल क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाता है, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इस सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से, अगर साथ वाला एटम भी क्या हो जाए, साथ वाला बॉन्ड भी पोलराइज हो जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन क्लियर है, एक बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से दूसरे बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा बॉन्ड भी पोलराइज हो रहा है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, यस और नो? यस ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, ये दो तरीके का होता है, ये दो कौन से तरीके हैं, हाँ अच्छा, मैं इससे पहले ये चीज़ बता दूं, जो ये पोलराइजेशन होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है, यहाँ पे वीक होता है, और यहाँ पे और वीकर हो जाता है, ठीक है, इसके बाद जो भी बॉन्ड होगा उसमें कम होता जाएगा। तो पहले बॉन्ड में जो पोलराइजेशन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, उसके बाद क्या होता है, वीक होता है, और उसके बाद वीकर होता है, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, मतलब एकदम खत्म हो जाता है, तीन बॉन्ड, तीन या चार बॉन्ड के बाद जो पोलराइजेशन है या इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे, मैंने इसको डिनोट किया है, मैंने इसको डिनोट किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा पॉजिटिव, और ये देख लेते हैं हम लोग, मैं फिर से कर देता हूँ इसे, ठीक so, इस बॉन्ड के बारे में हम लोग फिर से बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे ये है इसका, ये जो सिंबल है ये है डेल्टा, तुमने बहुत सारे डेल्टा देखे होंगे, एक ये डेल्टा है होता है, एक ये डेल्टा होता है,
ठीक है, और कौन सा होता है? एक डेल होता है और एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, इसका मतलब भी क्या होता है? स्मॉल चेंज, ठीक है। ये सारे बहुत स्मॉल चेंज है, और लेकिन अगर इन सबको अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये क्या हो जाता है? एक लार्जर चेंज हो जाता है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर 1 डिग्री से 2 डिग्री हो रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है, लेकिन उसके लिए तुम कौन सा डेल्टा यूज करोगे? ये यूज करोगे, क्योंकि एक बड़ी यूनिट यहाँ पे चेंज हो रही है। इस डेल्टा को हम लोग यूज करते हैं उससे छोटे चेंज के लिए, ठीक है। लाइक 0.1, 0.2, 0.3 का अगर चेंज हो रहा है उसके लिए, ये डेल्टा और भी छोटे चेंजेस के लिए होता है। ये डेरिवेटिव तो तुम्हें पता है कि बहुत ही माइन्यूट चीज में अगर उस किसी भी चीज को डिवाइड करना हो, ठीक है, डेसिमल की 4 या 5 प्लेस के ऊपर भी, तो डेरिवेटिव वहां पे यूज हो जाता है, ठीक है। सो ये चार डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं या चार डिफरेंट डेल्टा हैं जो यूज होता है किसी भी बड़ी चीज को डिस इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब सारी चीजों को एक साथ कोलैप करने के लिए, मतलब एक साथ जोड़ देने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई एक चीज है और उसके तुम पीसेस करते जाओ तो पहले बड़े पीसेस होंगे, तो उसके लिए तुम डेल्टा यूज कर सकते हो। फिर उस बड़े पीसेस को और तोड़ोगे तो उसके लिए ये हो जाएगा, उसको और तोड़ दिया तो ये हो जाएगा, और फिर इतने माइन्यूट पीसेस की वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हमें दिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल, ये वो बड़ा वाला डेल्टा यूज नहीं कर रहे, स्मॉल डेल्टा यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें की वजह से यहाँ पे हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, फिर क्वाड्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, एंड फिर ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैं लिख ही सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि डेल्टा नेगेटिव को मैं अगर मान लेता हूँ 0.1, तो ये इसके ऊपर की चार्ज कितना आएगा? 0.1, अब 0.1 × 0.1 क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, तो 0.01, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है? कम आ रहा है। फिर 0.001 और 0.001, ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया उसने क्या किया है? बाकी कार्बन को पोलराइज किया है, इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को। तो उनके ऊपर जो पोलराइजेशन हुआ है वो काफी कम हुआ है। तो पहली कार्बन जो है इसके साथ में है, उसके ऊपर पोलराइजेशन क्या हो गया? ऑलमोस्ट 10 टाइम कम हो चुका है। फिर उसकी वजह से और कार्बन के ऊपर क्या होगा? और भी ज्यादा पोलराइजेशन कम होता चला जाएगा, क्लियर है। तो ये जो पोलराइजेशन है वो इफेक्टिव कहाँ तक होता है? फर्स्ट या सेकेंड बॉन्ड तक होता है, थर्ड या फोर्थ बॉन्ड पे वो काफी हद तक कम होने लग जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो मेरे पास एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन ने से इलेक्ट्रॉन डिमांड किए, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब ये कार्बन क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसको तुम अगर डायपोल समझ लो तो ये कार्बन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट उसे बोला जाता है। अब इस प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है? प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे CH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव ये और ये डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे कार्बन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है तो उसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पॉजिटिव तो चार्ज आता नहीं है, कब आता है पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। सो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो एनी एटम विच हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई भी एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? काफी कम है, वो इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा। सो एनी एटम जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इस इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोला जाता है? प्लस आई इफेक्ट।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड एक्यूमुलेट्स पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या करता है एक पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेता है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस केस में उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? सो प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले कौन से होते हैं, कार्बन होता है हमेशा कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। सो एनी एल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3 है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, CH2CH3 है, इथाइल ग्रुप है। सो मेजरली एल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं सो दे एग्जिबिट प्लस आई इफेक्ट, और इसलिए वो क्या दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कैसे पता चलेगा, माइनस आई इफेक्ट, सो एनी एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, देन इट एक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्ज, और वो क्या करता है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है। और अगर उसने नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया, एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, देन इट एक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फिल्म में कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एनी एटम मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो एल्काइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहा है तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CH2I, तो ये जो आई है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये क्या करेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट वो यहाँ पे शो करेगा। क्लियर? सो एक और देखते हैं, जैसे मेरे पास है CH3COCl, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और इस कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, सो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बोथ आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट, दोनों क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट एक्सिबिट कर रहे हैं या उसको दिखा रहे हैं। हाउएवर CH3 इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, ये CH3 क्या करेगा, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसके ऊपर खुद क्या ले लेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो इस कार्बन के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उसको कम कर दिया गया, किस वजह से, CH3 की वजह से। तो ये CH3 क्या कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिमिनिश करने की कोशिश कर रहा है, वेयर एज Cl एंड ऑक्सीजन आर इन ट्राइंग टू इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ओवर दिस कार्बोनिल कार्बन। तो ये Cl एंड ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बोनिल ये होता है, CW बॉन्ड को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन उनसे खींच रहे हैं, और खींचने की वजह से उस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव
चार्ज आ रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस CH3 की वजह से कम किया जा रहा है। तो ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो CH3 क्या शो करेगा, एक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। वेयर इज ऑक्सीजन एंड क्लोरिन दोनों क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट सो फार? क्लियर, ओके ज्योति, क्लियर है तुम्हें? सो लेट्स मूव अहेड। अब हमें देखना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कैसे होती है। तो ये हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 है, ये है मिथाइल, ये है प्राइमरी, आई होप प्राइमरी सेकेंडरी तुम लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। ये हो गया सेकेंडरी एंड ये हो गया टर्शियरी, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन हम लोगों ने बनाया है, मुझे तुम्हें बताना है कि इसका ज्योमेट्री क्या है। अच्छा पहले मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का, मैं लिख दूँ उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन इन द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उसकी तुम्हें क्या निकालनी है, ज्योमेट्री निकालनी है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो ज्योमेट्री कैसे निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन से निकलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, और ज्योमेट्री ऑब्टेन करने के बाद तुम्हें उसके ऊपर कमेंट करना है कि उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्योंकि हर ज्योमेट्री का एक प्रॉपर बॉन्ड एंगल होता है। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में तुम निकाल लोगे। आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके सो लेट्स कम बैक टू द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की वजह, कार्बन से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो तीन इलेक्ट्रॉन या तीन हाइड्रोजन एटम इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन तीन हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि 0.01 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जो ओवरऑल जो चार्ज है कार्बन के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सो एनी फैक्टर दैट डिक्रीजेस द चार्ज ओवर कार्बोकेटायन, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कार्बोकेटायन के ऊपर चार्ज डिक्रीज कर दे, वो क्या करता है, उस कार्बन को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन है उनका कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, सिंस हाइड्रोजन आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से वो कार्बन को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीन हाइड्रोजन है वो उसको काफी हद तक उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो कार्बन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, फिर भी स्टेबलाइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, एफर्ट्स तो कर ही रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्राइमरी। यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कार्बन कार्बन। तो ओवरऑल कार्बन क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है, उसको तीन हाइड्रोजन एटम्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कार्बन के पास क्या हो गया? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगी और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देगा? इस कार्बन को दे देगा। नाउ अगेन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और सिंस चार एटम मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक हाइड्रोजन से तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि मिथाइल जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो काफी हद तक स्टेबल होगा देन मिथाइल कार्बन केटायन से। क्लियर? यस सर। हाँ, सिमिलरली दो CH3 क्या करेंगे? इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये भी करेगा, और हाइड्रोजन भी करेगा, और ये क्या होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और सिमिलरली तीन मिथाइल ग्रुप अगर देंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन इज एक्सट्रीमली स्टेबल। क्लियर? सो ओवरऑल अगर हम लोगों को लिखना है, सो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो तुम्हें याद करना है के लिए हम लोग क्या बता सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो तुमने देखा था अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर दे, तो अगर टोटल चार्ज प्लस वन है तो वो उससे कितना डिक्रीज हो जाता है? 0.5 से डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में अगर पॉजिटिव प्लस वन चार्ज है तो वो कितना कम होगा? 0.03 के आसपास कम होगा, तीन मिथाइल ग्रुप लगा लिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ओवरऑल जो डिक्रीमेंट होगा वो सिर्फ 0.1 से ही होगा। ठीक है, तो मतलब जो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा वो 0.9 या 0.8 के आसपास बचेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अगर मैं मान लूँ कि बहुत ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो ओवरऑल जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो काफी कम कर रहा है, क्योंकि डिक्रीज कितना हो रहा है? 0.2। यहाँ पे क्या है, अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सीधा 0.5 से डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो वो डिक्रीज हो जाते हैं 0.25 पे। ठीक है, तो मतलब 0.75 का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। सो कौन सा इफेक्ट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर पा रहा है? वो है रेजोनेंस इफेक्ट। सो हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट से। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो कि चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, वो काफी हद तक स्टेबल होता है देन एलाइलिक कार्बोकेटायन से, देन टर्शियरी कार्बोकेटायन से, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। तो ये तुम्हें चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी आता है, जो कि ये रेजोनेंस किसकी वजह से होता है? पाई बॉन्ड्स की या पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। दैट्स वो क्या है, एक कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं तुम्हें उससे कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है जिसकी वजह से ये ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। एक एक्सेप्शनल केस है, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक्सेप्शनल केस, कि जो टर्शरी ब्यूटाइल होता है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है देन बेंजाइलिक। अब तुम ऑब्वियसली बोलोगे कि मैंने तो अभी पीछे अलग बताया है और ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास नौ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है। नौ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इसके पास चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। अभी क्या है, हाइपोकॉन्जुगेशन एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा,
लेकिन कोई टर्शरी कार्बोकेटायन है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, CH2, CH3 और CH3, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ CH2, CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर मैं मान लेता हूँ कि कोई टर्शियरी कार्बोकेटायन है जिसके ऊपर अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिकली मिथाइल दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्ट ब्यूटाइल है, इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल है ये। सो अगर तुम्हारे पास टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी टर्शरी से, तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि टर्ट ब्यूटाइल अगर तुम्हारे पास कार्बोकेटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, देन बेंजाइलिक। और उसके अलावा कोई भी टर्शरी कार्बोकेटायन है, कोई भी चलेगा, कोई भी टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होगा, कम स्टेबल होगा। समझ में आ रही है एक्सेप्शनल केस की? अब मैं फिर से बताऊं, सर एक बार फिर से बताइए। देखो एक्सेप्शन केस ये है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन बेंजाइलिक। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ, टर्ट ब्यूटाइल, अच्छा मैं इसको थोड़ा उल्टा तरीके से करता हूँ। टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है? टर्शरी कार्बोकेटायन होता है जिसके पास तीन एल्काइल ग्रुप होते हैं, आर आर आर, ये हो गया तुम्हारा टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है। आर क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, बट ये हाइड्रोजन के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल के, जैसे ये हो गया CH2CH3, CH3, CH2CH3, कुछ भी लगा दो, C2H5, C3H7, C4H9 पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटायन है, टर्शियरी कार्बोकेटायन है। या इसके ऊपर लगा दो, मे भी तुमने लगा दिया CH3, यहाँ पे C2H5 हो गया और ये हो गया C3H7 या कुछ भी हो गया, पेंटाइल हो गया, ठीक है, पेंट लिख देता हूँ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, टर्शियरी कार्बोकेटायन के, दे ऑल आर टर्शरी कार्बोकेटायन। इतना समझ में आ रहा यस सर। है? अब क्या है, इन टर्शरी कार्बोकेटायन में से एक कार्बोकेटायन होता है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। वो वाला कौन सा है, वो है जब तीनों एल्काइल ग्रुप CH3 होंगे, ये होता है हाईली स्टेबल। ये क्या है, हाईली स्टेबल है, और ये हाईली स्टेबल है किससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये बेंजाइलिक से। जैसे हम लोगों ने बताया कि बेंजाइलिक तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये बताया था, लेकिन इस वाले की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि सारे कार्बोकेटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्ट ब्यूटाइल। जो टर्ट ब्यूटाइल होता है वो सारे ही कार्बोकेटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आप समझ में आ रहे हैं। और बाकी के जितने भी टर्शरी कार्बोकेटायन है वो बेंजाइलिक से कम होंगे स्टेबल, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि अगर वो टर्ट ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, तुम्हें दिख रही होंगी, 1 2 3 4, चार कार्बन है, तो
ये जो चार कार्बन मिलके एक कार्बोकेटाइन बनाती हैं वो हो जाता है एक्सट्रीमली स्टेबल। क्लियर भाई? यस। बोलो यस और नो। अभिषेक क्लियर हो गया तुम्हें? चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों मिलके किसी भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, मैं तो टॉपिक ही भूल गया क्या था। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह यस, हम लोग एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, याद आ गया। ठीक। सो बेसिकली हम लोग एडिशन रिएक्शन करने जा रहे थे, और एडिशन रिएक्शन में तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक रूल होता है मार्कोनिकोफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, हाइड्रोजन एड्स टू दैट कार्बन विच हैज लार्ज नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये मार्कोनिकोफ रूल था। अब ये मार्कोनिकोफ रूल क्यों होता है, उसका रीजन मैं तुम्हें दे रहा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, और इस पे है एच बी आर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एच बी आर है तो बी आर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ये रिएक्शन तुम्हें करनी है और इसमें से तुम्हें बताना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। एच इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो गया यहाँ पे, ठीक न्यूक्लियो। है, और एच क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो तुम क्या कर सकते हो, इस डबल बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकते हो। या तो तुम कर लो इसे सी एच टू नेगेटिव और इधर सी एच टू पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सी एच टू पॉजिटिव एंड सी एच थ्री, ठीक है। अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, तुम्हें दिख रहा होगा। ये जो स्पीशीज है वो क्या है, कार्बोकेटायन। तो मुझे ये लोग बताओगे कि ये किस टाइप का कार्बोकेटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बोकेटायन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो अब क्या होता है, बी आर इसके ऊपर अटैक करता है, बी आर नेगेटिव बचा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में और ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। CH2+ इलेक्ट्रोफाइल है और Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन गया सी एच टू बी आर सी एच थ्री, ठीक है। तो एडिशन हो गया,
इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ गया है, Br जुड़ गया है, और इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। क्लियर? तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है और वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कार्बोकेटायन बना और उसके ऊपर रिएक्शन हो गई तो वो खत्म भी हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एच बी आर एड करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एच दो तरीके से अटैच हो सकता है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री एंड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर। पहले तो मुझे बताओ कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से सही प्रोडक्ट कौन सा है। पहला वाला सर, पहला वाला सी एस थ्री सी एच बी आर सी एस थ्री। क्यों सही है वो? वो स्टेबल लग रहा है हमको क्योंकि ना यहाँ अभी बताए थे आपकी हाइड्रोजन जो है वो हाँ, मोर तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। तो ये स्टेबल किस वजह से है? मार्कोनिक ऑफ रूल की वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया है कि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस बताया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू है, ये प्रोपीन है और इसमें मैं एच बी आर को ऐड कर रहा हूँ। तो इस केस में ये सी एच थ्री सी एच सी एच टू बी आर और दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो मैंने जस्ट पूछा है कि कौन सा सही है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योति फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये क्या है, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो कर रहा है। तो मैं मार्क लिख देता हूँ इधर, मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हो रहा है, और ये मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो नहीं हो रहा तो मैं इसको लिख देता हूँ एंटी मार्क। क्लियर? तो जो मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा तो मैं उसे बोलूंगा मार्कोनिक ऑफ है, और जो मार्कोनिक ऑफ रूल के अपोजिट चला जाएगा और उल्टा काम करेगा उसको मैं बोलूंगा एंटी मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका हमें मैकेनिज्म देखना है। तो मैकेनिज्म देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सी एच थ्री स्टेप वन, और स्टेप वन से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। इसको तुम क्या करना है, तुम्हें एच बी आर के ऊपर अटैक करना है। तो बी आर के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये तो तुम्हारा ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये अटैक यहाँ पे करेगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव एंड सी एच थ्री। और अगर इधर से अटैक हुआ और हो सकता है कि सी एच इधर अटैच हो गया तो ये बनेगा सी एच टू पॉजिटिव। इतना क्लियर है? मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को तुम इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा सी एच टू नेगेटिव, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर देते हो तो ये हो जाएगा सी एच टू पॉजिटिव। अब इसने एच के ऊपर अटैक किया तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो दो कार्बोकेटायन बनेंगे, एक कार्बोकेटायन ये वाला और एक कार्बोकेटायन ये वाला। इतना क्लियर है? यस सर। अभिषेक क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है। फिर अब क्या है कि ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, मुझे बताओ ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा कार्बोकेटाइन है। इसको मैं ले लेता हूँ वन और इसको मैं ले लेता हूँ टू। जो वन वाला कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है और सेकेंड वाला कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एलाइलिक और बेंजाइलिक में तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है। प्राइमरी कौन सा वाला, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला? फर्स्ट वाला सर, हाँ, फर्स्ट वाला क्या है, सेकेंडरी लग रहा है, डबल सी एस थ्री जुड़ा है ना। हाँ तो ये फर्स्ट वाला सेकेंडरी है और सेकेंड वाला प्राइमरी है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के प्राइमरी ऊपर तो एक ही लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है,
यस सर। तो अब मुझे बताओ सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी। हाँ, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो प्राइमरी बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। जब भी अटैक होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, सेकेंडरी कार्बन के पास जाता है, प्राइमरी कार्बन के पास नहीं जाता है। ये क्लियर हुआ? तो इस वजह से इन दोनों में अगर बी आर नेगेटिव डलता है तो वो यहाँ पे अटैक करता है और प्रोडक्ट एक ही बनता है, कौन सा, बी आर। ठीक है, ये बन नहीं रहा क्योंकि ये अनस्टेबल है, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट वही बनते हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि दो इंटरमीडिएट है, वन और टू, इनमें से टू क्या है, अनस्टेबल है, और वन क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सा बनेगा, वन वाला बनेगा, और जैसे ही वन वाला बनेगा, टू वाला जैसे ही बनेगा वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो बनेगा ही नहीं, और फिर जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके ऊपर रिएक्शन फर्दर हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करने का रीजन क्या है? क्वेश्चन ऐसे हम लोग बना सकते हैं, व्हाई मार्कोनिकोफ रूल इज फॉलोड, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो क्यों होता है? आंसर क्या होगा, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ कार्बो केटाइन, कार्बो केटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से होता है, और कार्बो केटाइन क्या है, इंटरमीडिएट। तो ऐसा ही इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वही इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, वही इंटरमीडिएट बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। इंटरमीडिएट तो हमें पता है, पहली पता है कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो दो अनस्टेबल में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बन जाएगा, और जो कम स्टेबल होगा वो नहीं बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो फिर फर्दर रिएक्शन करेगा। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट सो फार? ठीक नो सर। है, तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है इस वजह से। और अब आई गेस कि तुम लोग मैकेनिज्म लिख पाओगे, लिख लोगे मैकेनिज्म? यस सर। तो नेगेटिव को मैकेनिज्म लिखने से पहले क्या देखना है कि तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा है एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ठीक है, हाँ, होमवर्क ही दे रहा हूँ मैं। दूसरा क्या है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि एरो कहाँ से मूव करता है, तो एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये टू स्टेप रिएक्शन है, तो तुम्हें दो बनाने हैं। तो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको मैं आई लिख देता हूँ, और इधर से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो दो स्टेप हर एडिशन रिएक्शन के तुम्हारे पास दो स्टेप बनेंगे, और इंटरमीडिएट में क्या रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा, मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जो अनस्टेबल है उसे बनाना नहीं है। तो तुम ओवरऑल रिएक्शन क्या लिख सकते हो, मैं तुम्हें रिएक्टेंट दे रहा हूँ और रिएजेंट दे रहा हूँ, तुम उसका प्रोडक्ट लिखोगे, तो प्रोडक्ट में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है। लेट्स सी कि तुम लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं तो कल हम लोग उसको चेक करेंगे। So, पहली रिएक्शन में दे रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और इसमें तुम्हें ऐड करना है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको प्रोडक्ट भी बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ इसका मैकेनिज्म भी लिखना है। और यहाँ पे लिखना है HBr, तो इसका प्रोडक्ट ए हो गया, बी हो गया, एक और मैं देता हूँ,
यहाँ पे बेंजाइलिक आ जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम ऐड कर दो HCl, ठीक है, और इसमें तुम्हें HI यूज करना है, वन इक्विवेलेंट, ठीक है। वन इक्विवेलेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, वन इक्विवेलेंट का मतलब है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड पे एडिशन करना है, दो पे नहीं करना। दो इक्विवेलेंट होंगे तो दोनों के ऊपर रिएक्शन होगी, मैंने क्या बोला है तुम्हें सिर्फ एक के ऊपर रिएक्शन करना है, ठीक है, और दोनों सेम ही है, या तुम इसके ऊपर करो या इसके ऊपर करो, एक ही बात है, बट इस तरीके से करना है कि वो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता चले, ठीक है। तो सी ए हो गया, ए बी पीछे कितना दिया था मैंने, सी दिया था, हाँ बी तक दिया था, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी, सर हम्म। एक बार एलाइलिक वाले पे आप बताइए ना, जोड़ना ही नहीं आता मुझे, एंड एराइलिक वाले कैसे मतलब करेंगे एच कहाँ पे, एलाइलिक वाले कंपाउंड पे, जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हटा के फिर एच प्लस वाला और माइनस वाला कैसे ऐड करेंगे, वो नहीं समझ में आ रहा। देखो सबसे पहले तो तुम इसका प्रोडक्ट लिखोगे, तो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड ये है, पहली चीज एडिशन रिएक्शन मैं बता देता हूँ, एडिशन रिएक्शन डजेंट अकर ओवर बेंजीन रिंग, तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे नहीं होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ये जैसा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास डबल बॉन्ड ये बचा है, तो HCl डालोगे तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्लोराइड कहाँ जाएगा, जहाँ पे क्लोराइड, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या है, यहाँ पे Cl लग जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्लियर हुआ। ये क्लियर है सर, एलाइलिक वाले में प्रॉब्लम। ये नीचे वाला, इस ये वाला, यस सर, हाँ इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें बस ये लेना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, यहाँ होगा, और आयोडाइड कहाँ होगा, यहाँ होगा बस, थैंक यू सर। ठीक है। उसमें कुछ दो, एक इक्विवेलेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हारे दो डबल बॉन्ड है, और अगर मैं इसमें ही कर दूं HI डालना है तुम्हें दो इक्विवेलेंट, तो तुम्हें दो बार रिएक्शन करनी है, समझ में आया। तो अब ये भी अच्छा है ऑप्शन, तो तुम दोनों पे भी रिएक्शन करके देखना, ई भी कर लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके, वैसे मैंने खुद ही स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, 10 बज गए हैं। थैंक यू सर।